बेच रहे हो? कल आपसे मैंने जयपुरी साड़ी खरीदी थी, कल तो मैंने ध्यान से देखा नहीं, आज साड़ी को सही से फैला कर देखा, साड़ी में तो बहुत बड़ा छेद है, ऐसा लग रहा है चूहे ने काट दी हो। मायावती जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक एक साड़ी जब मैं घर से बेचने के लिए निकलता हूँ तो सारी की सारी साड़ी चेक करके निकलता हूँ कि कोई फटी या कटी तो नहीं है। लगता है कल तुमने जब मुझसे साड़ी खरीदी तो साड़ी खरीद कर तुमने ऐसी जगह रख दिया होगा जहाँ पर चूहे ने काट दी, और आप कह रही हो कि मैंने चूहे की कटी हुई साड़ी आपको दी। तो मोदी जी, आप साड़ी वापस नहीं करोगे? अरे छेद वाली साड़ी कौन ले लेगा? मायावती जी, आपके समझ में नहीं आया, मैंने अभी आपको बताया, मैं घर से जब साड़ी बेचने के लिए निकलता हूँ तो एक एक साड़ी को सही से फैला कर देखता हूँ कि किसी में छेद तो नहीं है। तो मैं तो सही सलामत आपको साड़ी देख कर गया हूँ, आप ही के पास चूहे ने काट दी होगी। मोदी जी, ये साड़ी देखो, इस साड़ी को कल मैंने आपसे खरीदा था, ये साड़ी कुछ बड़ी है, थोड़ी छोटी साड़ी दे दो। लेकिन सोनिया जी, इस साड़ी को तो अब आपने पहन लिया, अब मैं पहनी हुई साड़ी को कैसे वापस करूँगा? और इतनी खास ज्यादा बड़ी भी साड़ी नहीं है, सही लग रही है साड़ी आप पर? बहन सोनिया जी, ये साड़ी मत बदलिए, ठीक है ये साड़ी। ममता दीदी, आपको साड़ी नहीं चाहिए, एक साड़ी आप भी खरीद लो। मोदी जी, मैं आपसे साड़ी खरीद तो लूँ, लेकिन इस टाइम हाथ में पैसा नहीं है, इस बार की फसल भी अच्छी नहीं हुई, अगर फसल अच्छी हो जाती तो दो साड़ी मैं भी खरीद लेती। तो ममता दीदी, मैं आपको साड़ी देने से मना थोड़ी कर रहा हूँ, आप मुझसे साड़ी खरीद लीजिए, जब 2 महीने बाद आपकी फसल आ जाए तभी मुझे पैसे दे देना। मोदी जी, आपका कहना तो ठीक है, लेकिन मैं अपने सर पर कर्जा नहीं रखती हूँ, जब फसल आएगी तो नौ नगद ही आपसे खरीद लूंगी, 100 उधार नहीं करूंगी। चलो ममता दीदी, जैसी आपकी मर्जी, फिर ये मत कहना कि मैंने आपको साड़ी उधार नहीं दी। वैसे मोदी जी, ये बहुत अच्छा लगता है कि आप गांव-गांव जाकर साइकिल पर साड़ी बेचते हो, शहर जाकर साड़ी खरीदने का सारा झंझट ही खत्म हो जाता है। बस हाँ, एक दिक्कत है, थोड़ा साड़ी को आप महंगा बेचते हो, शहर में थोड़ी सस्ती मिल जाती है साड़ी। लेकिन सोनिया जी, एक बात बताओ, अगर शहर में साड़ी खरीदने के लिए जाओगी आप तो पूरा दिन का वक्त बर्बाद होगा और भाड़ा अलग से खर्च होगा, इसीलिए मैं थोड़े बहुत पैसे ज्यादा ले लेता हूँ, तो क्या दिक्कत है इसमें? भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।